यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? गाइस प्लीज मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट? जल्दी से बताना है, आंसर आंसर देना है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस. जल्दी से बताना है. यस 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 यस. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सभी लोग? यस, गुड इवनिंग निहारिका, छवि, रवीना, अनु, रतिका, राघव, श्रेष्ठा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कृष्णा, कृष, दीप्ति, अंशु, रोहन, यथार्थ, राघव. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग. अनु शर्मा जी, गुड इवनिंग. यस सो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉन्सेप्ट कैप्सूल के लेक्चर नंबर 2 में. इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन वर्सेस बैंड वैगन इफेक्ट को. बहुत ही धासु चीज आपको बताने वाला हूं मैं इसमें, क्योंकि दोस्तों आपको मैं सबसे पहले लेके जाना चाहता हूँ आपके पुराने स्टडी मटेरियल में, लेके जाना चाहता हूँ दिसंबर 2020 के लिए जो स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल था, जो दिसंबर 2020 के लिए स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल था, जुलाई 2017 का जो एडिशन था स्टडी मटेरियल का, वो दिसंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल था. उसमें आप अगर जाते हैं, उसमें आप अगर जाते हैं पेज नंबर 2.28 में, वहां पे आपको बताया गया था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंड वैगन इफेक्ट. एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले स्टडी मटेरियल में डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन का मतलब सेम था इंस्टीट्यूट के हिसाब से. बैंड वैगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब सेम था एज पर इंस्टीट्यूट. दिसंबर 20 की बात कर रहा हूं, लेकिन मई 20 में, मई 21 के लिए, मई 21 के लिए इंस्टीट्यूट का, आपको पता है मई 21, अभी जून 21 जो आपकी एग्जाम्स होने वाली है उसके लिए आप सबको पता है कि अक्टूबर 2020 एडिशन आपको पढ़ना है. तो जो लेटेस्ट एडिशन आया है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जून 2021 में अक्टूबर 2020 का एडिशन एप्लीकेबल है. इस एडिशन के हिसाब से आपके अब बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब अलग है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब अलग होता है. एंड यही डिफरेंस मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए, क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में? पहले बैंड वैगन डेमोन्स्ट्रेशन एक ही बात थी, सेम होता था, अब से उसमें डिफरेंस बताया इंस्टीट्यूट ने. आइए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं. सारे लिंक्स, नोट्स हम शेयर करते हैं इसमें. कुछ कुछ चैप्टर्स के नोट्स शेयर होते हैं, लेकिन लिंक्स तो हर वीडियो के लिंक शेयर होते हैं इसके अंदर. देन जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं. मैंने मिशन 90+ करके एक वीडियो लिया था अनअकैडमी ऐप पे, कि आप कैसे 90+ स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स बीसीके में. एक फ्री वीडियो लिया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इसको भी. एंड यूट्यूब पे मैंने 28 मार्च को दोस्तों एक इंटरव्यू लिया था, हमारे 90+ जिन बच्चों को आए थे उसका इंटरव्यू लिया था. इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाके वो भी जरूर जाके देख सकते हैं. ठीक है, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. यस, अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब जीवन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये शेड्यूल है मेरा आज और कल का. आज ऑलरेडी बीसी के चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर दिया है. कल वापस से 4:15 बजे बीसी के चैप्टर 5 का लेक्चर 2 करने वाले हैं. आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे कल, तो जरूर आइए कल पढ़ने के लिए. एंड 8:15 बजे कल वापस से कॉन्सेप्ट कैप्सूल होगा. टोटल आउटले मेथड में कुछ अमेंडमेंट आया है एग्जाम के लिए, वो भी पढ़ेंगे. इसमें अमेंडमेंट आया है प्राइस इफेक्ट एंड क्वांटिटी इफेक्ट वाला एक अमेंडमेंट आया है, जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है एंड जिसके ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. वो चीज कल 8:15 बजे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, वो चीज कल 8:15 बजे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, क्या बात समझ पा रही, मुझे बताइए. तो ये मेरा अभी आज और कल का है. देन 1 अप्रैल से दोस्तों आपके लिए जबरदस्त न्यूज है कि 1 अप्रैल से 8:15 बजे इस ही यूट्यूब चैनल पे आपके लिए मैं लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, जो मार्केट वाला चैप्टर है, वो हम पढ़ने वाले हैं. एकदम धासु तरीके से पढ़ेंगे,
इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, क्या बात समझ में आ रही है? यस 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 एमबी सर स्वीट 16, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, यस गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। चलिए 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 आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप अन अकेडमी के पास फुल को स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो यार, प्लस आइकॉनिक आपके पास ऑप्शन है, प्लस या तो आइकॉनिक में से आपके पास ऑप्शन है, प्लस में सारे टॉप एजुकेटर्स के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स, रेगुलर टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं। लेकिन अगर आप आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, रैंक की तैयारी करना चाहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के मिलेंगे, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, रनिंग प्रोग्रेस ट्रैकर मिलेगा, अलग से डिस्कशन चैनल बनाया जाएगा एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस करवाए जाते हैं आइकॉनिक वाले बच्चों का। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो एमबी सर कूपन कोड यूज कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, क्योंकि प्राइसेस अब सिग्निफिकेंटली 1 अप्रैल से प्राइसेस बढ़ने वाली है, 1 अप्रैल से प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लेना है। यस और नो मुझे बताइए जल्दी से। यस, तो अभी फिलहाल आपको अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि फाउंडेशन इंटर दोनों मिल जाएगा आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। सारे कोई भी एजुकेटर का क्लास देख पाएंगे, एक बार बस सब्सक्रिप्शन ले डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएंगी। बस एमबी सर कोड यूज कर लेना तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो 1 साल का मिलेगा 15,750 में एंड 2 साल का मिलेगा 18,900 रुपीज में। क्या बात समझ में आ रही है? यस, प्लस इज मस्ट, यस प्लस इज मस्ट एंड आइकॉनिक। अगर आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक में भी 1 साल 2 साल का ऑप्शन है। डिस्काउंट चाहिए तो एमबी सर कोड अप्लाई करके डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। यस और नो मुझे बताना है। यस, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या आप सब लोग रेडी है मुझे बताइए, आर यू गाइज रेडी? जल्दी से बताइए क्या आप सब लोग रेडी हैं, प्लीज मुझे बताइए। डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन इफेक्ट पढ़ने के लिए जल्दी से बताना है, आंसर आंसर देना है। यस प्लीज बताइए। यस यस, चलिए आइए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। सबसे पहले बता दूं, आपको तो पता है यार, आपको तो पता है मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं धासु नोट्स के साथ पढ़ाता हूं। कैसे पढ़ाता हूं बताओ, मैं धासु नोट्स, जैसे हमारे आईजी सर, जैसे हमारे आईजी सर जो है भोकाल नोट्स यूज करते हैं प्लस पे पढ़ाने के लिए, भोकाल नोट्स यूज करते हैं आईजी सर, वैसे ही मैं जो हूं आपको धासु नोट्स से पढ़ाता हूं। मेरे नोट्स का नाम है धासु नोट्स, ठीक है? तो आइए दोस्तों धासु नोट्स आपको दिखाता हूं मैं जल्दी से। सबसे पहले ये टॉपिक कहाँ आता है वो देखते हैं, सबसे पहले ये टॉपिक कहाँ आता है वो देखते हैं। ये टॉपिक आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड वाले टॉपिक के अंदर। हमने पढ़ा था कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट हो सकती है, उसे बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ऐसे टोटल 6 डिटरमिनेंट्स थे एंड अदर फैक्टर के अंदर और 4 से 5 डिटरमिनेंट्स थे। इसमें जो ये बताइए जल्दी से, ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला जो आपका आता है पॉइंट, इसके अंदर वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंडवैगन इफेक्ट आता है। आइए देखते क्या है। यस, आइए देखते दोस्तों क्या है, इधर देखेंगे जल्दी से। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है, देखो जो भी चीजें ज्यादा मॉडर्न होती है या जो भी चीजें ज्यादा फैशन में होती है, लेटेस्ट फैशन में होती है, उन चीजों का डिमांड ज्यादा होता है जनरली, ऐसा बोला जा रहा है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो देखो क्या है ये, जल्दी बताएंगे ये क्या है बेटा, क्या है ये, मैंने क्या बनाया है मुझे बताएंगे जल्दी से, ये मैंने क्या बनाया है मुझे बताएंगे दोस्तों। ये जो है ये मैंने बनाया है डब्बा टीवी। पहले के जमाने में डब्बा टीवी आता था, क्या आता था बताओ, पहले के जमाने में डब्बा टीवी आता था दोस्त। मैंने ऑलरेडी बता दिया इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 जो है वो मैं कल से चालू कर, 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्त, पहले ही बता दिया मैंने, है ना। मैं कल से मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, ठीक है। चलिए आइए इधर, एंड ये क्या है मुझे बताइए जल्दी से, ये क्या है मुझे बताना है, सोच के बताना है ये क्या है। ये है एलईडी टीवी। आप मेरे ड्रॉइंग स्किल्स देख सकते हैं,
मैंने आपको टीवी का ऐसे बाजू के पोर्शन से आपको उसका ड्राइंग बना के बताया है। वाह जबरदस्त, समझ मारी बात है मैं क्या बोल रहा हूं। आप मुझे बताइए अगर आप टीवी खरीदना चाहते तो आप ये डब्बा टीवी खरीदते या एलईडी टीवी खरीदते, बताइए जल्दी से। आप डब्बा टीवी खरीदते या एलईडी टीवी खरीदते, बताइए जल्दी से। कौन सा टीवी खरीदना चाहते, डब्बा वाला या एलईडी वाला, प्लीज, है ना। यथार्थ जी जो है मजाक कर रहे, गेम ले रहे हैं। यथार्थ जी बोल रहे सर आपका टीवी पियानो जैसा लग रहा है ना। यस, तो क्या बोल रहे सब लोग, सर हम तो एलईडी वाला खरीदते। क्यों सर, क्यों ऐसा? क्योंकि एलईडी टीवी जो है ना, ये आजकल ये लेटेस्ट मॉडल है, ये ज्यादा फैशन में है, हर घर में आजकल एलईडी टीवी ही देखने को मिलता है। तो हमको भी इच्छा होती है, हम इस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा फैशन में होता है, लेटेस्ट होता है, वो क्या होता है, उसका डिमांड ज्यादा होता है। लेकिन आपका ये जो प्रेफरेंस है, आपका ये जो टेस्ट है, वो अफेक्ट होता है चार तरीकों से। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, एंड चौथा होता है वेबलेन इफेक्ट। फिर से बोल रहा हूं, आपके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं वो चार तरीके से अफेक्ट होते हैं। पहला होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से चेंज हो सकता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बैंडवैगन इफेक्ट से हो सकता है, स्नॉब इफेक्ट से हो सकता है, या वेबलेन इफेक्ट से हो सकता है। समझ मारी बातें? इसमें पहले तीन ही हुआ करते थे, क्योंकि हम पहले बैंडवैगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन को एक समझते थे, पर अब इंस्टीट्यूट ने इनका ब्रेकअप कर दिया है। ओहो हो सर, दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या? हाँ, दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। समझी क्या बातें मैं क्या बोल रहा हूं, बताओ ना, समझी क्या बातें, है ना। हाँ, चलिए तो देखिए, इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है दोस्त। अब देखेंगे जल्दी से आइए। तो अब देखेंगे ब्रेकअप के बाद, अब इसकी आइडेंटिटी अलग है, इसकी आइडेंटिटी अलग है। बेटा समझो, बात को समझो। पहले जब प्यार में होते हैं तो दोनों को लगता था, अरे डेमोन्स्ट्रेशन, अरे बैंड वैगन, अरे हम दोनों अलग थोड़ी ना है, अरे हम दोनों तो एक ही है। लेकिन ब्रेकअप के बाद डेमोन्स्ट्रेशन बोलता है मैं अलग, बैंड वैगन बोलता है मैं अलग, दोनों में क्या हो गया बताओ, दोनों अलग हो चुके हैं ब्रेकअप के बाद। अब क्या इनका मतलब है, ये बताना चाहता हूं मैं। समझ मारी बातें, है ना। अब जो है मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, अब मेरी बात समझेंगे, सुनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये कौन, किसने इस टर्म को बनाया था? हमारे इस बंदे ने बनाया था। सर वाह, क्या हेयर स्टाइल है सर, मजा आ गया देख के, है ना। हाँ सर हाँ, क्या है इसका नाम बताओ? इसका नाम है जेम्स ड्यूसनबरी। ड्यूसनबरी की स्पेलिंग ये है ना, अपन इसको जेम्स बोलेंगे, काय को फालतू में ड्यूसन में ही बोलना, मिस्टर जेम्स। तो ये हमारे मिस्टर जेम्स जो थे, इन्होंने क्या बनाया था, ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाला कॉइन, ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाला टर्म बनाया था, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज द डिजायर ऑफ द पीपल टू एम्यूलेट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है बताओ, कॉपी करना, ठीक है। क्या होता है बताओ जल्दी से, कॉपी करना, है ना। तो हमारे जेम्स ड्यूसनबरी बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ लोगों की ऐसी इच्छा होती है अंदर से कि हम दूसरों को कॉपी करना चाहते हैं। ऐसा कब होता है सर, जब देखो राघव अग्रवाल और जो है हमारे 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 मिसबा, राघव अग्रवाल और मिसबा कौन है बताओ? ये दोनों दोस्तों एकदम जबरदस्त दोस्त है। ये दोनों कौन है बताओ? दोस्त है। अब मिसबाना अपने घर में एक नई कार खरीदता है। कौन सी कार खरीदता है बताओ आपको, कौन सी कार खरीदता है बताओ आपको, जल्दी से बताना है कौन सी कार खरीदेगा। मिसबा जो है ना वो कार खरीदता है, मिसबा जो है ना कार खरीदता है दोस्तों ऑडी। कौन सी खरीदता है बताओ? ऑडी। देखो इसमें ना ऐसे सिंबल भी बना है। वाह सर वाह, ये
ये ऑडी का सिंबल दिख तो नहीं रहा है सर, लेकिन हम मान लेंगे कि ऑडी का सिंबल है, ठीक है। तो ये कौन सी कार खरीदता है बताओ? ऑडी वाली कार खरीदता है, ठीक है, ऑडी कंपनी खरीदता है। हाँ हीरा चौहान जी, मुझे लगा ही था एमजी हेक्टर कोई तो बोलेगा, है ना। हाँ अरे बेटा, तो सामने सामने फिर पूरा कार का व्यू नहीं दिखेगा ना शरीफ, इसलिए मैंने साइड व्यू बनाया है, ठीक है, इधर देखेंगे, है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, मिसबा बोल रही है, आई एम अ गर्ल, ओके। तो मिसबा जी जो है ऑडी कार खरीदती है, ठीक है। अब राघव को ये देखता है, राघव ये देखता है, अच्छा, मेरी दोस्त ने नई कार खरीदी, अरे मैं मेरी दोस्त से कम थोड़ी ना हूं, मैं भी नई कार खरीदूंगा। तो राघव जाके बोलता है मम्मी को, पापा को, मम्मी पापा मुझे भी नई कार खरीदनी है। तो ये इसको क्या इच्छा हो रही है? अपने दोस्त को देख के ये भी कार खरीदना चाहता है। ऐसा बचपन में भी होता था हमारे साथ, बचपन में भी होता था हमारे साथ। अरे मम्मी मम्मी, मेरे दोस्त ने ना एडिडास के जूते खरीदे, मुझे भी जूते चाहिए एडिडास वाले। अरे मम्मी मम्मी, मेरे मेरे दोस्त का ना पॉकीमैन वाला बैग है, मुझे भी पॉकीमैन वाला बैग चाहिए। समझ रहे हो बातें क्या बोल रहे हो? इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दूसरों को देख के हमको इच्छा हो रही है, हमको ना थोड़ी सी जलन होती है यार, इसके पास है, मेरे पास भी हो सकता है, मुझ में उसमें कुछ फर्क थोड़ी ना है। ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है बताओ? ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स, पीपल बाय और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी, मतलब क्या? नजरों से देखना है। दे सी दैट अदर पीपल आर एबल टू हैव देम। राघव को लगता है अरे मिसबा के पास ऑडी हो सकती है तो मेरे पास क्यों नहीं। अरे यहाँ पे देखो प्रणव सर आ चुके हैं क्लास में, हमारे पीपी सर, हमारे प्यारे पीपी सर भी वही बोल रहे हैं कि यार मिसबा के पास ऑडी कार हो सकती है तो मुझे भी चाहिए। पीपी सर भी वही चीज बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज बताइए, है ना। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब मेरी बात समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब बात आती है बैंड वैगन इफेक्ट। अब प्लीज ध्यान दीजिए, फर्क क्या है समझिए बात को। बैंड वैगन इफेक्ट में क्या है बात समझना, इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि बहुत बार हमारे साथ स्कूल में ऐसा होता था, फील करना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। स्कूल में देखो बहुत बार ऐसा होता था कि एक ना ऐसा ग्रुप होता था बच्चों का, एक ना बच्चों का ऐसा ग्रुप होता था, इन बच्चों के ग्रुप में सबके पास आईफोन होता था। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी इनके ग्रुप का पार्ट बनूं, मैं इनके ग्रुप का पार्ट बनना चाहता हूं। तो मैं भी घर पे जाके मम्मी को बोलूंगा, मम्मी देखो अरे इन सबके पास ना आईफोन है, मुझे भी इनके साथ रहना है, मैं भी इनके ग्रुप में रहना चाहता हूं, मुझे भी आईफोन खरीद के दो ना। समझो बात को, बैंड वैगन में जलन नहीं हो रही है लोगों को, बैंड वैगन में जलन नहीं हो रही है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में हमें जेलेसी फैक्टर थोड़ा सा आ रहा था कि दूसरे के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। समझा बात को? यहां पे क्या फील करना, देखो, इट बैंड वैगन इफेक्ट रिप्रेजेंट्स द डिजायर ऑफ द पीपल टू परचेज अ कमोडिटी इन ऑर्डर टू बी फैशनेबल और स्टाइलिश और कंफर्म टू द पीपल दे विश टू बी एसोसिएटेड विथ। अरे मुझे जिन लोगों के साथ एसोसिएट होके रहना है, इनके पास आईफोन है, अगर मैंने भी आईफोन खरीदा ना तो ही ये लोग मुझे अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करेंगे। फील आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? बैंड वैगन इफेक्ट। फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बैंड वैगन इफेक्ट। प्लीज बताइए, है ना मिस्ट्री गर्ल। अब समझ में आ रहा है बाद में क्या बोल रहा हूं? फिर से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या हो रहा था? हमको जलन हो रही थी, हम बोल रहे थे कि यार देखो मेरे दोस्त के पास अगर कार है, मेरे दोस्त के पास नया टीवी लिया, मेरे पड़ोसी ने नया टीवी लिया, मेरे पड़ोसी ने नई कार ली, तो मैं उससे कम थोड़ी ना हूं, मैं भी खरीदूंगा। ऐसी बात है डेमोन्स्ट्रेशन में। बैंड वैगन में क्या है? अरे यार मम्मी सुनो ना, आजकल ना सब लोग आईफोन यूज करते हैं, मैं भी आईफोन यूज करना चाहता हूं। अब क्या हो रहा है? ये हर्ड मेंटालिटी इसे बोलते हैं कि ज्यादातर लोग आईफोन खरीद रहे हैं इसीलिए मुझे आईफोन खरीदना है। डेमोन्स्ट्रेशन में मैं सबको नहीं देखता,
डेमोन्स्ट्रेशन में मैं मेरे दोस्त मेरे भाई बंधु उनको सिर्फ देख रहा हूं, उनको देख के मुझे जलन हो रही है। बैंड वैगन में क्या हो रहा है, अरे मम्मी पूरी दुनिया आईफोन यूज कर रही है, मुझे भी आईफोन चाहिए। हर्ड मेंटालिटी, भेड़ बकरिया। तो देखो जैसे मैंने आप इमेज बनाया, सुनिए मेरी बात। हाँ, भेड़ चाल इसको बोलते हैं हिंदी में। देखिए जैसे यहाँ पे बकरियां ना ऐसे भागते जा रही है और सामने खाई है, फिर भी ये पीछे वाले लोग भागते जा रहे हैं। पीछे वाले लोग बोल रहे हैं, आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग बट फ्रॉम द लुक ऑफ दिस क्राउड इट्स गॉट टू बी गुड। मतलब क्या, पीछे वाली बकरियां बोल रही है, यार हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग अगर जा रहे हैं किसी जगह पे तो अच्छा ही होगा। समझ रहे हो बात को? अरे हमको नहीं मालूम आईफोन चलाने में कैसा लगता है, लेकिन सब लोग आईफोन चला रहे हैं तो अच्छी चीजें होंगी, मम्मी लेके दो ना आईफोन। फील आया क्या बोल रहा हूँ, क्या फील आ रहा है, मैं क्या बोलना चाहूँ प्लीज बताइए फिर से। तो देखिए, बैंड वैगन इफेक्ट रिप्रेजेंट्स द डिजायर ऑफ पीपल टू परचेज अ कमोडिटी इन ऑर्डर टू बी फैशनेबल। जो चीजें लेटेस्ट फैशन में है मैं वो खरीदना चाहता हूँ। मम्मी को बोलूंगा, मम्मी देखो ना आजकल सब लोग ये चीज यूज कर रहे हैं, मुझे भी लेके दो ना प्लीज। मम्मी आजकल ना सबके पास, आजकल ना सबके सबके पास ना खुद का लैपटॉप है, मुझे भी लैपटॉप चाहिए यार। मम्मी सब लोग लैपटॉप लेके आते हैं कॉलेज में, मुझे भी लैपटॉप चाहिए। बैंड वैगन इफेक्ट, हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल की बात हो गई है। सुन भाई बात है, मैं खुद को भी फैशनेबल बताना चाहता हूँ बाकियों को कि देखो मैं भी फैशनेबल हूँ यार। मैं खुद का भी स्टाइल बताना चाहता हूँ। मैं मैं जिस ग्रुप में रहना चाहता हूँ उन ग्रुप में लोगों के पास आईफोन है तो मैं भी आईफोन खरीदूंगा ताकि वो लोग मुझे अपने ग्रुप में एक्सेप्ट कर ले। टू कन्फर्म टू द पीपल दे विश टू बी एसोसिएटेड विद। ये है बैंड वैगन, ये है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन। क्या फर्क समझ में आ गया, जल्दी बताएंगे फास्ट। फर्क समझ में आ गया तो सारे बच्चे बोलेंगे मने समझी गई हूँ, जल्दी से फास्ट। फर्क समझ में आ गया तो जल्दी बताएंगे मने समझी गई हूँ, बच्चे लिखेंगे जल्दी से। आगे आगे देखेंगे, अब मेरी बात सुनेंगे जल्दी से, अब बात सुनेंगे जल्दी से, एकदम फास्ट बता रहा हूँ। स्नॉब इफेक्ट क्या होता है बात समझना, स्नॉब इफेक्ट क्या होता है बात समझना। स्नॉब इफेक्ट होता है कि समझिए आपको पता है, आपको पता है जो देखो ये कौन है मुझे बताना, ये कौन है दोस्तों, हाँ मुझे बताना, जबरदस्त बना रहा हूं मैं एकदम। ये कौन है बताओ, ये कौन है दोस्तों, ये है एसआर के, कौन है बताओ ये कौन है बताओ जल्दी से, ये एसआर के शाहरुख खान है। शाहरुख खान क्या करता है बात समझना, शाहरुख खान के पास ना एक जैकेट था, शाहरुख खान के पास एक जैकेट था, शाहरुख खान ने वो जैकेट एक दिन पहना, शाहरुख खान ने जैकेट वो एक दिन पहना, फिर उसने देखा यार ये जो मैंने जैकेट पहना था अब लोगों ने इसको कॉपी करना चालू कर दिया है, सब लोग आजकल ऐसा ही जैकेट पहन रहे हैं, सब लोगों ने ऐसा जैकेट पहनना चालू कर दिया। अरे यार मेरा जो जैकेट था वो तो अब सब लोगों में कॉमन हो चुका है, अब मैं ऐसी चीजें नहीं खरीदूंगा, जो चीजें अब कॉमन हो चुके हैं लोगों में वो मुझे नहीं चाहिए। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि मेरे पास ना सारी एक्सक्लूसिव चीजें होनी चाहिए, मैं भीड़ से अलग लगना चाहिए मुझे, मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव चीजें होनी चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है। इसको बोलते हैं दोस्तों स्नॉब इफेक्ट। देखेंगे बढ़ेंगे जल्दी से पढ़ेंगे। बाय स्नॉब इफेक्ट वी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर्स गुड इज डिक्रीज्ड ओइंग टू द फैक्ट अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम। अब देखिए पूरा सेम शब्द लिखा है। बैंड वैगन में क्या बोला जल्दी पढ़ेंगे जल्दी से, क्या बोला यहां पर, एक्सटेंड टू विच द डिमांड इज इंक्रीज्ड ड्यू टू अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। स्नॉब में क्या बोला, एक्सटेंड टू विच डिमांड इज डिक्रीज्ड ओइंग टू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। एमसीक्यू आ सकता है अगर इसमें इंक्रीज्ड शब्द आया, बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं इसलिए मैं यूज करना चाहता हूं, ये हो जाएगा बैंड वैगन इफेक्ट। बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा, मुझे नहीं चाहिए वो चीजें, स्नॉब इफेक्ट। क्या हो जाएगा, स्नॉब इफेक्ट। समझ में आ रही बात है, फर्क समझ में आ रहा है, एमसीक्यू बनेगा इसके ऊपर दोस्तों, एमसीक्यू बनेगा। तो
तो देखिए द डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव, हम लोगों से अलग रहना चाहते हैं, डिफरेंट रहना चाहते हैं बाकी लोगों से, हम अपने आप को इस भेड़ चाल से अलग अलग करना चाहते हैं, टू डिसोसिएट देमसेल्फ फ्रॉम द कॉमन हर्ड, इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। जैसे ही कोई प्रोडक्ट कॉमन हो जाता है लोगों के हाथों में, लोगों के पास, तो सम पीपल डिक्रीज और ऑल डिवर स्टॉप्स इट्स कंजम्पशन, इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्नॉब इफेक्ट। यस, इसको क्या बोलते हैं प्लीज बताइए? स्नॉब इफेक्ट। प्लीज लोगों को इग्नोर करें, लोगों को इग्नोर करें, ठीक है? टेंशन में लीजिए इतना, चीजें इग्नोर करना कभी कभी, ठीक है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, आगे प्लीज क्लास में ध्यान दें दोस्त, प्लीज क्लास में ध्यान दें। नेक्स्ट है दोस्तों वेबलेन इफेक्ट। सर आपने तो डेमोन्स्ट्रेशन बैड वगैन बोला, क्यों? आगे और एक अमेंडमेंट है इसलिए बता रहा हूं। वेबलेन इफेक्ट सुनेंगे जल्दी से। वेबलेन इफेक्ट जो है ये एक इकोनॉमिस्ट था, थॉस्टीन वेबलेन, इन्होंने बनाया था वेबलेन इफेक्ट। इनका बोलना था कि कुछ ऐसे अमीर लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिच लोग होते हैं जो चीजें खरीदते ही इसीलिए है ताकि दूसरों को बता सके कि देखो कितना पैसा है मेरे पास, अरे मेरा क्या स्टाइल है, अरे मेरा क्या फैशन है, मैं दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करता हूं। उससे बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट, उससे बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन करना, हम चीजें इसीलिए कंज्यूम कर रहे हैं, हम चीजें इसीलिए खरीद रहे हैं ताकि दूसरों को दिखा सके क्या स्टाइल है मेरा, क्या क्लास है मेरा, कितने पैसे वाला हूं मैं, क्या जबरदस्त टेस्ट है मेरा, इसको बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। समझ वाली बात है? यस, आगे आगे मेरी बात समझेंगे अब जल्दी से। ये इसमें एग्जाम्पल देता हूं मैं थ्री इडियट्स का, आपको बताए थ्री इडियट्स में मोरे मोरे या मोरे 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 या मोरे, ये गाना सुनना आप है ना, ऐसा सर्च करना आप थ्री इडियट्स मोरे मोरे, ऐसा गाना सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? थ्री इडियट्स में एक सुहास करके बंदा होता है, एक सुहास करके बंदा होता है जिसकी शादी करीना कपूर से होने वाली होती है ना, जिसका नाम हमारा ऋतिक, जिसका नाम हमारा ये आमिर खान जो है ना, क्या रखता है इसका नाम? प्राइस टैग रखता है इसका नाम, क्या रखता है? प्राइस टैग। वो ना बोलता है करीना कपूर को कि ये तुम्हारा मंगेतर ना सुहास, वो आदमी नहीं, प्राइस टैग है, प्राइस टैग। उसको ना बाद में आमिर खान जो है ना सुहास के जूतों पे चटनी गिरा देता है, तो सुहास चिल्लाता है अरे मेरे $300 के जूते थे, मैंने हैंड स्टिच जूते बनाए थे, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, सबको सुनाता है कि देखो मेरे $300 के जूते थे, दूसरों को बताने के लिए चीजें खरीदता है वो। बताओ क्या था, बताओ जल्दी से, दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदता है, कौन है बताओ? इस ये भी वेबलेन इफेक्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेबलेन इफेक्ट, है ना? यस। तो अब बताइए मुझे, समझना बात को। अब देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या आया है, ये आया है नेक्स्ट अमेंडमेंट, ये कि स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलेन इफेक्ट में डिफरेंस बताया है। स्नॉब इफेक्ट होता है अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। मतलब क्या है? अगर बाकी सारे लोग किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो मैं उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम कर देता हूं। तो स्नॉब इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, दूसरों के कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है स्नॉब इफेक्ट। लेकिन वेबलेन इफेक्ट क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब क्या? अगर कोई चीज ज्यादा महंगी होंगी तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो कितनी महंगी चीज है, अगर इसको खरीद लिया ना तो मेरा स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा मार्केट में, मैं और ज्यादा शो ऑफ कर पाऊंगा। समझा बात है? वेबलेन इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब क्या? वेबलेन इफेक्ट प्राइस पे डिपेंडेंट होता है, स्नॉब इफेक्ट दूसरों के कंजम्पशन पे डिपेंडेंट होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लीज मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? एमसीक्यू आ सकता है, लेटेस्ट अमेंडमेंट। मैंने सारे चारों इफेक्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, अब एक बार बुक को देखेंगे जल्दी से, बस एक बार बुक में नजर घुमाएंगे, सिर्फ नजर घुमाना है, देखेंगे एक बार। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट टर्म कॉइन बाय जेम्स ड्यूसनबरी, डिजायर ऑफ पीपल टू एमुलेट द कंजम्पशन ऑफ अदर्स, दूसरे के कंजम्पशन को कॉपी करने की इच्छा होती है, जलन होती है, या उसके पास कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देन बैंड वैगन को अलग से लिखा है,
बैंड वैगन को अलग से लिखा है, एक्सटेंड टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग. डिजायर ऑफ पीपल टू बी फैशनेबल स्टाइलिश और कन्फर्म टू द पीपल एसोसिएटेड विद. हर एक लाइन कवर हो चुकी है मेरे क्लासेस में, हर एक लाइन कवर हो गई है. स्नॉब इफेक्ट की बातें करेंगे. स्नॉब इफेक्ट क्या है? एक्सटेंड टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिक्रीज ओइंग टू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग इट. समझ मारी बातें क्या ब्रो? प्लीज बताइए. हम यहाँ पे डिस एसोसिएट करना चाहते हैं, भेड़ चाल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं स्नॉब इफेक्ट में. हमारे पास कुछ चीजें एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, हम बाकियों से अलग होने चाहिए. स्नॉब इफेक्ट. नेक्स्ट वेबलेन इफेक्ट का क्या था बताओ जल्दी से. वेबलेन इफेक्ट क्या था? कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन को सेटिस्फाई करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा कर रहे हैं. वेबलेन इफेक्ट यस और नो बताइए. अब देखो मैंने जो आपको लाइन बताई, Distinction between snob effect and Veblen effect. देखिए पढ़िए क्या लिखा है. Snob effect and Veblen effect. The former मतलब क्या? Snob effect is a function of consumption and latter मतलब क्या? Veblen effect is the function of price. MCQ बनेगा. यहां भी दोस्तों आज का ये लेक्चर खत्म होता है. Thank you so much guys. Yes. हाँ शिव जी ने बहुत जबरदस्त बात की. मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूँ. देखिए आपके लाइफ में भी ना आज जैसे डिस्ट्रैक्शन चल रहा था, वैसे ही आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे. अभी आपका इस वीडियो को देखने का मोटिव क्या था कि मैं वीडियो देखना चाहता हूँ, सर जो चीज पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ना समझना चाहता हूँ. ये आपका गोल था. एंड आपके गोल को अचीव करने के लिए ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जीवन में आते रहते हैं. एंड सबसे बेस्ट चीज डिस्ट्रैक्शन के लिए होती है कि हमें इनको इग्नोर करना समझना पड़ेगा. अरे हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो यार मोबाइल में 10 बार नोटिफिकेशन बजते हैं. अरे जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे तब कोई मैसेज नहीं करता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तब धनादन धनादन मैसेज आते हैं, धनादन धनादन नोटिफिकेशन आते हैं. तो आपको क्या ये सीखना पड़ेगा अब कि कौन ये डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा अब. समझ पा रहे हैं? नहीं तो आपका गोल अचीव नहीं कर पाएंगे कभी भी. तो डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा इग्नोर करें, ट्राई करें आप उनसे दूर 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 रह सके. समझ मारी बात में क्या बोल रहा हूं? यस. चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच. यस आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है. कल जो आपको बताने वाला हूं ना, कल तो अत्यंत पीजी वाली बातें होने वाली है. अत्यंत पीजी वाली. समझ मारी बात है क्या बोल रहा हूं? एकदम बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा पीजी कल मिलने वाला आपको. अल्ट्रा पीजी मिलेगा आपको जब हम ये टोटल आउटले मेथड का अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं. अल्ट्रा पीजी मिलने वाला है. ठीक है? यस बोलिए ना रवीना जी, बोलिए ना क्या बोलना चाह रहे हैं. तो मुझे जरूर बताइए आपको कैसा लगता है. यार प्लीज मैं बोल रहा हूँ आप पिछले वीडियो में जाके, जो मैंने कल वीडियो लिया था उसमें भी जाके प्लीज कमेंट करें. मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है. इस वीडियो में भी बाद में कमेंट करना, आप बताना आपको वीडियो कैसा लगता है. मैं कमेंट जरूर रीड करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी वेरी मच. यस रक्षिता क्या बोल रही है? थैंक यू सो मच. हाँ रवीना जी बिल्कुल, बैंड वैगन जो है ट्रेंड के रिस्पॉन्स में होता है. जो अभी ट्रेंडिंग चीजें होती है वो हमको लेने की इच्छा होती है, वो बैंड वैगन बाएगा. ठीक है? बिल्कुल सही बात है रवीना. ठीक है? सो मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे. सब्सक्रिप्शन लेना तो जल्द से जल्द ले लीजिए यूजिंग द रेफरल कोड MBSIR. Using the referral code MBSIR जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अब प्राइसेस 1st अप्रैल से बढ़ने वाले हैं. लास्ट चीज आज के दिन की लास्ट चीज आपको मैं डायरेक्ट YouTube पे जाके बताना चाहूंगा. दोस्तों क्या बताना चाहेंगे आप? Unacademy CA Foundation Pro पे जाना चाहेंगे? इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ बाहुबली टीम का जो प्लान है अप्रैल महीने के लिए. ऑलरेडी वीडियो चालू होने के पहले 90 लाइक्स आ चुके हैं इस वीडियो पे. तो धासु जबरदस्त वीडियो होने वाला है. आपको बताएंगे पूरी की पूरी बाहुबली टीम एक साथ आ रही है. यार जबरदस्त मजा आने वाला है इसमें. जरूर इसमें आइए एंड जो है इस वीडियो को देखिए एंड आपको पता चलेगा कि हम अप्रैल में क्या क्या चीजें करने वाले हैं आप लोगों के लिए. यस सो थैंक यू सो मच गाइस. अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड गुड नाइट.